हाय एवरीवन, वेलकम टू गुरुमंत्रा एकेडमी। सो होपफुली गाइस आप लोग अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो आज के लेक्चर में हम लोग जूलॉजी का यूनिट 1 में से अबाउट सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, तो देखो बहुत सारे टैक्सोनॉमिस्ट आए थे, डिफरेंट साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अपना कुछ बेसिस दिया था क्लासिफिकेशन का। सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और साइंटिफिक क्लासिफिकेशन इन बायोलॉजी इज अ मेथड ऑफ साइंटिफिक टैक्सोनॉमी। मींस क्या हुआ, बहुत सारे टैक्सोनॉमिस्ट आए, उन्होंने ऑब्जर्व किया नेचर के अंदर बहुत सारे वैरायटी, बहुत सारा डाइवर्स ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। तो उन्होंने क्या बोला कि इतने सारे डाइवर्स ऑर्गेनिज्म हैं, इन्हें हम क्लासिफाई करना स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, सिस्टमैटिक अरेंज किया उन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को, डिफरेंट डाइवर्स एनिमल्स को और प्लांट्स को। ओके, फिर उसके बाद आया हमारे पास प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ टैक्सोनॉमी। अब देखो टैक्सोनॉमी क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब आप किस तरीके से डाइवर्स ऑर्गेनिज्म को, नेचर को आप कैसे क्लासिफाई करते हो। ओके, द वर्ड वॉज प्रपोज्ड बाय APDA कंडोले इन हिज बुक थियोरीज एलिमेंटरिया डी ला बोटानिक। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो वर्ड था टैक्सोनॉमी, ये किसने दिया था। तो ये वर्ड जो था दैट वॉज प्रपोज्ड बाय अ वेरी ऑनरेबल साइंटिस्ट जिनका नाम है APDA कंडोले। कौन सी बुक के अंदर दिया था, थियोरीज एलिमेंटरिया डी ला बोटानिक। फिर बात करते हैं हम सिस्टमैटिक्स की, तो सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है। देखो वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। कहां से डिराइव किया है, लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि आप ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से अरेंज कर रहे हो। ये जो सिस्टमैटिक था, ये सिस्टमैटिक वर्ड जो था दैट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय कार्लस क्लीनियस। ओके, जनरली द टर्म सच एज क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, बट सम टैक्सोनॉमिस्ट लाइक सिम्पसन रिलेट देम विद द सेपरेट फील्ड। तो देखो क्या होता है, सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी, बहुत सारे टैक्सोनॉमिस्ट साइंटिस्ट ऐसे हैं जो कि ये मानते हैं कि टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स एक ही बात है। लेकिन एक साइंटिस्ट है आपके पास जिनका नाम है सिम्पसन, वो ये मानते हैं कि ये दोनों के दोनों अलग अलग फील्ड में अप्लाई होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्टमैटिक्स के 4 स्टेप्स की। तो देखो सिस्टमैटिक्स में जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करने वाले हो, तो आपके पास कितने स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं। वो 4 स्टेप्स कौन कौन से हैं, नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन, नंबर 2 नॉमेनक्लेचर, नंबर 3 क्लासिफिकेशन एंड नंबर 4 फाइलोजेनी। तो देखो आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, मतलब आप किसी एनिमल या किसी प्लांट को, किसी ऑर्गेनिज्म को आप क्या करोगे, रिकॉग्नाइज करोगे। कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, मतलब आप कंपैरिजन देखोगे आपस में, दो एनिमल्स को पिक करोगे, उनके बीच में आप कंपैरिजन स्टार्ट करोगे और उन्हें रिकॉग्नाइजेशन दोगे। ओके, एंड इज असाइन टू अ पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप, और फिर आप उसे किसके अंदर डालोगे, एक पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप के अंदर। ओके, सेकंड स्टेप आता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का सिंपल मतलब होता है नेमिंग, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नामकरण करना। वो आप कैसे करते हो, वो आप करते हो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स। आपने पढ़ा होगा जब आप बोटानिकल नॉमेनक्लेचर करते हो तो आप यूज करते हो IUBN, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो IUCN जो होता है इंटरनेशनल कोड जो आप यूज में लेते हो। उसके अलावा आप लोग जूलॉजी एनिमल्स के लिए यूज में लेते हो ICZN, ठीक है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ओके, इसी तरीके से बोटानिकल्स के लिए आप क्या यूज में ले लेते हो, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, दैट इज ICBN। ओके, IUBN इज नथिंग, ICBN। फिर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, थर्ड स्टेप इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या आएगा, अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। ऑर्गेनिज्म को आप डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर ग्रुपिंग स्टार्ट कर देते हो। कैसे ग्रुपिंग स्टार्ट कर देते हो, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस।
फिर नेक्स्ट स्टेप होता है फाइलोजेनी। फाइलोजेनी वर्ड टर्म पे बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फाइलोजेनी का मतलब क्या है। सो सिंपली फाइलोजेनी का मतलब है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप चेक करते हो बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ये चार स्टेप्स थे सिस्टमैटिक्स के, आइडेंटिफिकेशन, नॉमनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट बोथ टर्म्स टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स आर यूज्ड एज सिनोनिम। ओके, तो ये बात आ गई, यहाँ पे सिनोनिम की तरह आप यूज ले रहे हो। अब टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास काफी सारे टाइप्स की टैक्सोनॉमी है, जैसे कि नंबर वन है अल्फा टैक्सोनॉमी और क्लासिकल टैक्सोनॉमी। अल्फा टैक्सोनॉमी या क्लासिकल टैक्सोनॉमी की अगर आप बात करते हो तो ये टैक्सोनॉमी जो होती है दैट इज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को आप देखते हो किसी भी प्लांट की। ओके, सेकंड आपके पास है बीटा टैक्सोनॉमी। बीटा टैक्सोनॉमी के अंदर आप एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के अलावा इंटरनल कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड कर देते हो। दैट मीन्स एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी प्लस इंटरनल एनाटॉमी, जो बोल सकते हो आप इंटरनल कैरेक्टर्स होते हैं उनको जब आप स्टडी करते हो तो दैट इज नोन एज बीटा टैक्सोनॉमी। फिर आपके पास आ जाता है थर्ड ओमेगा टैक्सोनॉमी। ओमेगा टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन ऑल द इंफॉर्मेशन और डेटा अवेलेबल अबाउट प्लांट्स। जितना भी डेटा आपके पास होगा, जितना भी इंफॉर्मेशन आपके पास पहले से अवेलेबल होगी, दैट विल बी इंक्लूडेड इन ओमेगा टैक्सोनॉमी। फिर यू हैव साइटो टैक्सोनॉमी। अब देखो साइटो का मतलब क्या होता है, साइटो का मतलब होता है सेल। दैट मींस ये जो टैक्सोनॉमी होगी, ये जो स्टडी होगी, दैट विल बी रिलेटेड टू द योर सेल। सो द यूज ऑफ साइटोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ प्लांट इन क्लासिफिकेशन एंड ऑल्सो इज बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, मतलब सेल के बारे में इन्फॉर्मेशन। दैट मीन्स सेल की क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है, उसका उसके अंदर क्रोमोजोम नंबर कितने हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसा बिहेवियर शो कर रहा है। तो साइटोटैक्सोनॉमी के अंदर आप सेल की इन्फॉर्मेशन लेते हो। फिर नेक्स्ट यू हैव कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी क्या है, कीमो मीन्स होता है केमिकल। सो कीमोटैक्सोनॉमी के अंदर आप बेसिकली केमिकल्स के बारे में स्टडी करोगे। तो केमिकल्स प्लांट के केस में कैसे बनते हैं, आपको पता है प्लांट्स के केस में प्राइमरी मेटाबोलाइट्स भी मिलते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी मिलते हैं। ओके, सो द यूज ऑफ केमिकल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट इन क्लासिफिकेशन एंड ऑल्सो बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट। द बेसिक केमिकल कंपाउंड्स यूज्ड इन कीमोटैक्सोनॉमी आर, कीमोटैक्सोनॉमी के अंदर जो बेसिक केमिकल आप यूज ले रहे हो दे आर एल्केलॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स, टैनिंस हो गए, फैटी एसिड्स हो गए, अमीनो एसिड्स एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट यू हैव न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में आप क्या करोगे, इट इज कैरिड आउट बाय यूजिंग कंप्यूटर्स। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कैसे यूज में आएंगी, बाय यूजिंग कंप्यूटर्स एंड इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। नंबर और कोड आप यहाँ पे असाइन करते हो किसी भी कैरेक्टर को। सो बेसिकली न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी से जो क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज कि यहाँ पे नंबर्स और कोड्स आप लोग असाइन करते हो, तो आपको दे दिया जाता है कि नंबर एंड कोड्स आर असाइन इन व्हाट काइंड ऑफ टैक्सोनॉमी, तो दैट विल बी योर न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ओके, नाउ वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट अकॉर्डिंग टू द प्लांट टैक्सोनॉमी। देखो प्लांट किंगडम को आपने यहाँ पे दो तरीके से डिवाइड कर दिया, स्पोर बियरिंग प्लांट्स एंड सीड बियरिंग प्लांट्स। ओके, स्पोर बियरिंग प्लांट्स में देखो एल्गी है, मॉसेस और लिवरवर्ट्स एज वेल एज स्वान्स, जबकि सीड बियरिंग प्लांट के अंदर आपके पास क्या क्या है, जिम्नोस्पर्म्स एज वेल एज एंजियोस्पर्म्स। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन हो गया प्लांट किंगडम का। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नोमेनक्लेचर। आपने देखा कि हमने टैक्सोनॉमी के चार स्टेप्स पढ़े थे, उनमें से एक स्टेप जो था दैट वॉज नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर को हम थोड़ा डिटेल मैनर में स्टडी करेंगे। सो देखो नोमेनक्लेचर क्यों करते हैं हम, किसी भी एनिमल किसी भी प्लांट का नोमेनक्लेचर किया जाता है ताकि आप जब भी डिफरेंट कंट्रीज के अंदर मूव करो तो वहां पे आपको उस एनिमल या उस प्लांट को पहचानने में दिक्कत ना आए। तो इसीलिए आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक बेसिस पे नोमेनक्लेचर करना प्रेफर करते हो। ओके, सो साइंटिफिक नेम्स, दीज नेम्स आर बेस्ड ऑन डेफिनेट रूल्स एंड क्राइटेरिया, दीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। ठीक है, सबसे पहले है यू हैव पॉलीनोमियल नोमेनक्लेचर। तो देखो पॉलीनोमियल नोमेनक्लेचर से आपको नाम से पता चल रहा है पॉलीनोमियल मीन्स मेनी। दैट मीन्स ये ऐसा नोमेनक्लेचर होगा जहां पे एक
पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के नाम में, साइंटिफिक नाम में बहुत सारे वर्ड्स होंगे. ओके, इट वॉज यूज प्रायर टू 1750 से पहले, या फिर आप बोल सकते हो 1750 के आसपास वाला जो पीरियड था उस टाइम ये नोमेनक्लेचर यूज में लिया जाता था. इन दिस नेम्स ऑफ प्लांट्स आर बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे था. एग्जाम्पल कैरियोफाइलम, कैरियोफाइलम का जो नाम था अकॉर्डिंग टू पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर दैट वॉज कैरियोफाइलम सेक्सिटिलिस फॉलिस ग्रामिनियस अम्बलेटियस कोरम्बिस. ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे 6 वर्ड का नाम आ गया. तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था और ये नाम काफी ज्यादा लेंदी भी है, बोलने में भी दिक्कत आती थी और याद करने में भी. तो ये वाला जो पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर था ये आपका चला गया, मतलब इसको हटा दिया. फिर आपके पास आया पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर के बाद ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर. अब देखो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या था, ये किसने दिया सबसे पहले, हक्सले ने. ओके, व्हेन मेंबर ऑफ एनी स्पीशीज हैव लार्ज वेरिएशन देन ट्राइनोमियल सिस्टम इज यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिसिमिलैरिटीज दिस स्पीशीज इज क्लासिफाइड इनटू सब स्पीशीज और द वैराइटीज. तो बेसिकली ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर आप 3 वर्ड्स के बारे में बात करोगे, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का नामकरण करोगे, नोमेनक्लेचर करोगे, तो कितने वर्ड्स होंगे, 3. अब वो 3 कौन कौन से होंगे, एक तो होगा आपके पास स्पीशीज, ठीक है, एक होगा सब स्पीशीज और तीसरा होगा उसकी वेराइटी. ठीक है, अब देखो मतलब क्या हो गया, सबसे पहला हो गया आपके पास जेनेटिक नेम, दूसरा सब स्पेसिफिक एपिथेट और तीसरा सब स्पेसिफिक नेम, जिसे आप वेराइटी का नाम दे रहे हो. ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल दे रखा है आपको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आपके पास 3 चीजें हैं, कॉलीफ्लावर हो गया, कैबेज हो गया, नॉलखोल हो गया. तीनों चीजें जो हैं ये एक ही स्पीशीज में आ रही हैं, एक जैसी लग रही हैं आपको. अब इनके जो नाम हुए ये नाम कैसे थे, देखो ब्रासिका ओलेरेसिया बॉट्राइटिस, कॉलीफ्लावर के लिए ब्रासिका ओलेरेसिया कैपिटेटा, कैबेज के लिए एंड ब्रासिका ओलेरेसिया कॉलोप्रेपा दैट इज योर नॉलखोल. तो देखो फर्स्ट वर्ड जो है दैट इज जेनेटिक नेम, जेनेटिक नेम, ठीक है, जीनस. सेकेंड जो है ओलेरेसिया स्पेसिफिक एपिथेट एंड कॉलोप्रा दैट इज योर वेराइटी. ठीक है, तो मतलब फर्स्ट वर्ड आपका जेनेटिक नेम है, दोनों में सेम है, स्पेसिफिक एपिथेट भी सेम है, लेकिन वेराइटी जो है वो चेंज हो गई. ओके, तो ये क्या था, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर. फिर आपके पास आया बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट प्रपोज्ड बाय गैस्पर्ड बोहीन, किसने दिया था, फर्स्टली प्रपोज किया था गैस्पर्ड बोहीन ने, लेकिन ये जो यूज किया था वो किसने किया था, कार्लस लीनियस ने सबसे पहले, तो ये आपको याद रखना है. ओके, फिर लीनियस ने ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर यूज किया, बायनोमियल सिस्टम यूज किया एंड बहुत सारे एनिमल्स प्लांट्स के साइंटिफिक नेम्स दिए. ठीक है, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं. लीनियस प्रपोज साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट इन हिज बुक, लीनियस ने साइंटिफिक नेम दिए प्लांट के, कौन सी बुक में, स्पीशीज प्लांटेरम. ठीक है, प्लांट्स के लिए कौन सी बुक थी, स्पीशीज प्लांटेरम, दैट वॉज पब्लिश्ड ऑन 1 May 1753. एनिमल्स के लिए उन्होंने बुक दी दैट वॉज सिस्टम ऑन नेचुरी, जिसका 10th एडिशन पब्लिश हुआ था ऑन 1 August 1758. अब कुछ इंटरनेशनल कोड्स, नोमेनक्लेचर कोड्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि ICNB या फिर ICBN आप बोल सकते हो, सॉरी ICNB दैट इज फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, ICTV इंटरनेशनल कमेटी फॉर टेक्सोनॉमी ऑफ वायरस, ICVN वायरल नोमेनक्लेचर के लिए, ICNCP इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स, ICBN इज व्हाट, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, और ICZN क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. कलेक्शन ऑफ रूल्स रिगार्डिंग साइंटिफिक नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट इज नोन एज ICBN. ICBN वॉज फर्स्ट एक्सेप्टेड इन 1961, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अब मेन रूल्स की बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू ICBN. देखो ICBN दैट मींस ये किसके लिए हम यूज में ले रहे हैं, प्लांट्स के लिए. ओके, देखो बोटानिकल नोमेनक्लेचर, एनी स्पीशीज कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स ऑफ वर्ड्स, बायनोमियल नोमेनक्लेचर मींस 2 कंपोनेंट होंगे, नंबर 1 जेनेरिक नेम, नंबर 2 स्पेसिफिक एपिथेट. ओके, अब
इन प्लांट नॉमेनक्लेचर टॉटोनोम्स आर नॉट वैलिड, मतलब जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट सेम नहीं हो सकता, टॉटोनिम्स आर नॉट वैलिड। जबकि एनिमल्स के केस में ये चीज पॉसिबल हो जाती है, जैसे एनिमल क्या है आपके पास, मान लो आपके पास रैट है, तो रैट का नाम क्या है, साइंटिफिक नेम है रैटस रैटस, तो इसके केस में यहाँ पे आप टॉटोनिम्स यूज कर सकते हो। फर्स्ट नेम ऑफ जेनेरिक नेम शुड बी इन कैपिटल लेटर, पहला कैपिटल लेटर में होगा। फर्स्ट लेटर ऑफ स्पेसिफिक एपिथेट शुड बी इन स्मॉल लेटर, ओके, ये तीसरा पॉइंट हो गया। फिर फोर्थ पॉइंट है, बोथ द वर्ड्स व्हेन हैंड रिटन शुड बी सेपरेटली अंडरलाइंड, ठीक है। अब जैसे अंडरलाइन करना पड़ेगा, आपने लिखा मैंगो का नाम, लिखा आपने जैसे मैंजीफेरा इंडिका, ओके, मैंजीफेरा इंडिका, तो देखो अब क्या करोगे, फर्स्ट लेटर यानी जेनेरिक नेम का फर्स्ट लेटर जो होगा दैट विल बी इन कैपिटल, और स्पेसिफिक एपिथेट का जो फर्स्ट लेटर होगा दैट विल बी स्मॉल लेटर। फिर अगर आप हाथ से लिख रहे हो तो सेपरेटली उन्हें अंडरलाइन करना पड़ेगा। बोथ द वर्ड्स व्हेन हैंड रिटन शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन बट ड्यूरिंग प्रिंटिंग नेम शुड बी इन इटैलिक्स इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। अब लैटिन ओरिजिन क्यों बोल रहा है ये, क्योंकि लैटिन आपकी जो होती है इट इज अ डेड लैंग्वेज, ठीक है, तो जितने भी साइंटिफिक नेम्स होते हैं वो आप लैटिन लैंग्वेज में लेके चलते हो। नेम ऑफ साइंटिस्ट हु हैज प्रपोज्ड नॉमेनक्लेचर शुड बी रिटन इन शॉर्ट आफ्टर द स्पेसिफिक नेम, जैसे आपने अभी लिखा मेंजीफेरा इंडिका, उसके बाद आप क्या लिख सकते हो शॉर्ट में लिन, ओके, लिन क्या बताएगा आपको, लिन ये बताएगा कि बायोनॉमल नॉमेनक्लेचर जो था दैट वॉज प्रपोज्ड बाय लीनियस, ओके। नेम ऑफ साइंटिस्ट हु हैज चेंज हिज नेम प्रपोज बाय द प्रीवियस साइंटिस्ट एंड प्रपोज द प्रेजेंट नेम इज रिटन एट द एंड ऑफ साइंटिस्ट नेम। नेम ऑफ साइंटिस्ट शुड बी नाइदर अंडरलाइन नॉन रिटन इन द इटैलिक्स, ना ही आप इटैलिक्स में नाम लिखोगे साइंटिस्ट का, ना ही अंडरलाइन करोगे, ओके। साइंटिफिक नेम शुड बी डिराइव फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज बिकॉज इट इज अ डेड लैंग्वेज, ओके, तो साइंटिफिक नेम्स जो होंगे लैटिन लैंग्वेज से लोगे क्योंकि वो डेड लैंग्वेज है, ये आपको पहले ही बता दिया। सो अब हमारे पास एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, दैट इज अबाउट टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है, देखो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग अरेंजमेंट में जब आप डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को अरेंज करते हो तो उसे नाम दिया जाता है हायरार्की, ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात करते हो तो ये एक सिंगल स्टेप नहीं होता, जबकि इसके अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स आते हैं क्लासिफिकेशन के। आपने देखा होगा कि आप हायरार्की में क्या पढ़ते हो, किंगडम पढ़ते हो, क्लास पढ़ते हो, फाइलम हो गया, जीनस हो गया, स्पीशीज हो गया, फैमिली हो गई, इतनी सारी रैंक होती है, इतनी सारी कैटेगरीज होती है। तो क्या हुआ कि क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप, तो मतलब यहाँ सिंगल स्टेप नहीं होता, नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट आर रैंक और कैटेगरी, जिसके अंदर हर स्टेप पे एक रैंक होती है या फिर कैटेगरी होती है। सिंस द कैटेगरी इज पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, और जितनी भी कैटेगरीज होती हैं वो मिलके क्या बना देती है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ओके। अब जितनी भी कैटेगरीज आपके पास प्रेजेंट होंगी, जैसे आपके पास 7 डिफरेंट कैटेगरीज प्रेजेंट है, तो ये जो 7 डिफरेंट कैटेगरीज होंगी इन सबको आप क्या नाम दोगे, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। और हर जो आपके पास कैटेगरी होगी दैट विल रिप्रेजेंट आर रैंक, और जिसे आप नाम दे दोगे टेक्सोन या फिर टेक्सा, ओके। अब कैटेगरी और रैंक की बात करते हैं हम, जैसे देखो कैटेगरी और रैंक में एग्जाम्पल क्या दे रखा है आपको, किंगडम हो गया, क्लास हो गया, जीनस हो गया, फैमिली हो जाएगी, स्पीशीज आ जाएंगे, जबकि टैक्सोन क्या हो जाएगा आपका, प्लांटी, मेमेलिया, एटसेट्रा, ओके। इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ सिस्टम आर नेचुरली लीनियस यूज्ड फॉलोइंग कैटेगरीज, लीनियस ने कौन कौन सी कैटेगरीज यूज करी थी पहले एडिशन में सिस्टम आर नेचुरली में, दैट वॉज किंगडम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज एंड वेराइटी, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेजर 7 डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, तो हमारे पास 7 मेन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, इन्हें आप ऑब्लिगेट और असेंशियल और ब्रॉड कैटेगरीज भी बोलते हो, ठीक है। देखो कौन कौन सी हैं, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन और किंगडम, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अब देखो इम्पॉर्टेंट चीज आपको क्या याद रखनी है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी, देखो डिवीजन वर्ड जो होगा दैट विल बी यूज्ड इन केस ऑफ प्लांट्स,
और जबकि फाइलम वर्ड जो होगा ये आप यूज करोगे एनिमल्स के केस में. ओके, स्पीशीज में आपको बहुत सारे कॉमन कैरेक्टर देखने को मिलेंगे. क्या देखने को मिलेंगे? कॉमन कैरेक्टर्स. जबकि किंगडम के अंदर आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगी. ठीक है, सबसे छोटी यूनिट जो होगी किसी भी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की वो होगी स्पीशीज, और सबसे बड़ा जो ब्रॉड होगा, ब्रॉड कैटेगरी होगी, दैट विल बी योर किंगडम. ठीक है, अब देखो हम सबसे छोटी से बात करते हैं, दैट इज योर स्पीशीज. टेक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज अ स्पीशीज. ठीक है, वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस. आप किन्हीं भी दो स्पीशीज को मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हो. इजीली आप उनके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को देख के डिफरेंस बता सकते हो. ठीक है, स्पीशीज क्या है? एक बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट जीनस. जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज. देखो जीनस के अंदर क्या हुआ, बहुत सारी स्पीशीज आई. किसके अंदर? जीनस में. विच हैज मोर कैरेक्टर इन कॉमन एज कंपेयर टू जेनेरा. मीन्स स्पीशीज के अंदर सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होंगे एज कंपेयर टू दी जेनेरा. एग्जाम्पल देखो, पोटैटो एंड ब्रिंजल. पोटैटो और ब्रिंजल क्या है? अब ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज है, सेम स्पीशीज है. सॉरी, आप क्या बोलोगे कि पोटैटो एंड ब्रिंजल जो है ये दो स्पीशीज है, लेकिन बहुत सारी स्पीशीज किसके अंडर में आएंगी? जीनस के अंडर में. तो पोटैटो और ब्रिंजल दो अलग अलग स्पीशीज हैं जो कि एक कॉमन जीनस के अंदर आ रही हैं जिसका नाम है सोलाना. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट फैमिली. फैमिली की बात करते हो तो फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा. अब बहुत सारे जीनस मिलके क्या बनाएंगे? फैमिली बनाएंगे. ठीक है, फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ द प्लांट स्पीशीज. एग्जाम्पल देखो, बहुत सारे क्या लोगे? जेनेरा लोगे और उन्हें एक पर्टिकुलर फैमिली के अंदर पुट कर दोगे. अब देखो जेनेरा के एग्जाम्पल सोलेनम हो गया, चीनिया हो गया, दतूरा हो गया. ये तीनों के तीनों जीनस जो होंगे दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर अ सिंगल फैमिली, दैट इज सोलेनेसी. ओके, अब हमारे पास आ जाता है ऑर्डर. ऑर्डर की बात करते हैं अगर हम, तो ऑर्डर क्या है? देखो, ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ नंबर ऑफ फैमिलीज. मतलब यहां पे बहुत सारी फैमिलीज आ जाएंगी. अब फैमिली लाइक कॉनवलकेसी, सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीनोमियल्स. ठीक है, दो फैमिली लिए आपने, कॉनवलकेसी एज वेल एज सोलेनेसी, दोनों को आपने एक ऑर्डर के अंदर डाला, दैट इज पॉलीनोमियल्स. फिर आपके पास आती है क्लास. क्लास में क्या होगा? क्लास के अंदर सिमिलैरिटीज. मतलब क्या होगा कि आपके पास क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे. जैसे ऑर्डर प्रिमेटा कंप्राइजेस ऑफ मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन. ठीक है, ऑर्डर प्रिमेटा के अंदर आप तीन चीजें लेके चल रहे हो, मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन, और उनको एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर डालोगे, और वो क्लास कौन सी है? दैट इज योर मैमेलिया. अब तक आपको जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के, ये आपको याद रखने हैं. क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है कि बताइए इनमें से फैमिली कौन सी है, या फिर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दिए जाएंगे ना, आपसे पूछेगा बताइए ये किसके अंडर में आएंगे. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइलम और डिवीजन. तो सबसे पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है, फाइलम किसके केस में यूज करते हो? फाइलम यूज करते हो एनिमल्स के केस में, एंड डिवीजन यूज करते हो प्लांट्स के केस में. डिवीजन इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्लासेस. ठीक है, हैविंग अ फ्यू कॉमन कैरेक्टर. क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स अलॉन्ग विद मैमल कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी, दैट इज योर फाइलम कॉर्डेटा. ओके, फाइलम किसके लिए यूज में लिया? एनिमल्स के केस में. फिर आपके पास सबसे बड़ी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जो आ जाती है, हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी आ जाती है, दैट इज योर किंगडम. और किंगडम आपको पता है आपके पास दो किंगडम है, प्लांटी एज वेल एज एनिमेलिया. ओके, इसके अलावा आपके पास और भी चीजें हैं, किंगडम फंजाए है, ओके, मोनेरा है, इस तरीके से. अब देखो इंपॉर्टेंट नोट गिवन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, जैसे ही आप स्पीशीज से किंगडम की तरफ मूव करते हो तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कैसे होने लग जाते हैं, डिक्रीज होने लग जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आप स्पीशीज से किंगडम की तरफ मूव करोगे, स्पीशीज के अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर ज्यादा होते हैं जबकि किंगडम के पास नंबर ऑफ कैरेक्टर कम होते हैं। तो मीन्स स्पीशीज से किंगडम की तरफ आ रहे हो तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज होंगे। लोअर द टेक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेंबर विद इन द टेक्सॉन शेयर, जितना छोटा टेक्सा होगा, जितनी छोटी कैटेगरी होगी, उतने ही ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू द अदर टेक्सा एट सेम लेवल। जितनी बड़ी कैटेगरी होगी तो उसके अंदर मीन्स वेरिएशंस ज्यादा होंगे, वेरिएशन ज्यादा होंगे तो आपको उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप देखने में भी दिक्कत आएगी। ओके अब देखो, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या दे रखी है, सफिक्स ऑफ द डिफरेंट टेक्सा और द टेक्सॉन। आपने डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ ली, अब आप उन्हें पहचानोगे कैसे, उसके लिए आपके पास एक छोटी सी ट्रिक है। ठीक है, देखो इधर डिवीजन अगर आपको दे रखा है तो डिवीजन में तो आपके पास लास्ट में क्या आएगा, फाइटा। सफिक्स क्या यूज में होगा, फाइटा यूज में होगा। ठीक है, ये आपका सफिक्स हो गया, ये आपकी कैटेगरी हो गई। अब देखो क्लास होगा तो क्लास में आ जाएगा आपके पास ऑप्सिडा फाइसी। ठीक है, जैसे आपके पास एल्गी की एक क्लास होती है क्लोरोफाइसी, फिर रेड एल्गी की क्लास होती है रोडोफाइसी। उस तरीके से आपने देखा यहाँ पे क्या आ गया, फाइसी। ऑर्डर की बात करते हो, ऑर्डर आपके पास क्या होता है, पॉलीनोमियल्स, तो मींस एल्स आ गया। फैमिली, फैमिली में आपने एग्जांपल देखे थे अभी सोलेनेसी, तो आपके पास ए सी ए ई आ गया सफिक्स। जीनस, जीनस में क्या क्या आ जाएगा, अम अस एंड ए। ओके, तो ये कुछ सफिक्स हो गए डिफरेंट टेक्सा या टेक्सॉन के, आप बोल सकते हो कैटेगरी के बोल सकते हो, तो आप इजीली एग्जाम के अंदर पता कर सकते हो कि कौन सी चीज क्या है। अब आपको कुछ सिस्टमैटिक पोजीशन बताई हुई है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे मस्टर्ड के केस में, तो मस्टर्ड के केस में देखो किंगडम क्या होगा, प्लांटी, मस्टर्ड एक प्लांट है। डिवीजन क्या है, स्पर्मेटोफाइटा। देखो यहां पे आपने देखा था डिवीजन में फाइटा, फिर क्लास में डायकॉटिलेडनी, ये देखो। ठीक है, आप क्लास में डायकॉटिलेडनी ए ई भी लगा सकते हो। फिर ऑर्डर्स में आ गया आपके पास पेरीटेल्स, फैमिली हो गई आपके पास ब्रासिकेसी, जीनस हो गया ब्रासिका, एंड स्पीशीज हो गई ब्रासिका कैम्पस्टारिस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सिस्टमैटिक पोजीशन बता दी है एक प्लांट के केस में, दैट इज योर मस्टर्ड। अब देखो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज है, एक और टेबल है, कॉमन नेम है आपके पास मेन, हाउस फ्लाई, मैंगो एज वेल एज वीट। इनके बायोलॉजिकल नेम याद होने चाहिए आपको, मेन का होमोसेपियन, हाउसफ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, मैंगो का मिंजीफेरा इंडिका, एंड वीट का ट्रिटिकम एस्टिवम। अब ये मत सोचना कि बायोलॉजिकल नेम तो अंडरलाइन होने चाहिए थे, जब आप उन्हें प्रिंट करोगे तो आप उन्हें अंडरलाइन नहीं करोगे, इटैलिक्स में लिखने हैं वो। ठीक है, हैंड रिटन होंगे तब अंडरलाइन करोगे। बायोलॉजिकल नेम में बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट वर्ड होगा वो क्या बताएगा, जीनस। तो जीनस क्या हुआ यहाँ पे, होमो, यहाँ पे क्या हुआ, मस्का, यहाँ क्या हुआ, मिंजीफेरा, यहाँ क्या हुआ, ट्रिटिकम। ठीक है, फैमिली की बात करते हैं, मेन की फैमिली होमेडी, हाउसफ्लाई की मस्केडी, मैंगो की एनकार्डिएसी, वीट की पोएसी। ऑर्डर, मेन का प्रिमेटा, हाउसफ्लाई का डिप्टेरा, मैंगो का सेपिंडेल्स, एंड वीट का पोएल्स। क्लास की बात करते हैं, मेमेलिया, इंसेक्टा, डायकॉट, मोनोकॉट। फाइलम या फिर डिवीजन की बात करते हैं, मेन क्या है, एनिमल, एनिमल के केस में आप क्या यूज लोगे, डिवीजन, तो डिवीजन सॉरी फाइलम, तो फाइलम कॉर्डेटा। फिर हाउस फ्लाई एनिमल, अगेन कौन सा आ जाएगा, आर्थ्रोपोडा, फाइलम। मैंगो प्लांट, दैट मींस डिवीजन एंजियोस्पर्मा, फिर वीट भी एंजियोस्पर्म। ओके, तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके अंदर से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। अब आपके पास आ जाते हैं किंगडम्स इन लिविंग वर्ल्ड, ये भी काफी बार पूछ लिए जाते हैं। तो टू किंगडम सिस्टम किसने दिया था, कार्लस लीनियस ने। थ्री किंगडम सिस्टम किसने दिया था, हैकल ने। फोर किंगडम सिस्टम कॉपलैंड ने, एंड फाइव किंगडम सिस्टम आर एच विटेकर ने इन द ईयर 1969। आर एच विटेकर ने कौन कौन से किंगडम इंक्लूड करे थे वो याद रखना, नंबर वन मोनेरा, सेकेंड आपके पास था प्रोटिस्टा, थर्ड आपके पास था फंजाई, फिर आपके पास था प्लांटी,
एंड लास्ट में आपके पास था एनीमेलिया, ठीक है। मोनेरा में क्या इंक्लूड किए थे उन्होंने, बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा में यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स, ठीक है, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स। फंजाई क्या थी, मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोट्स, ठीक है। प्लांटी में प्लांट्स आ गए, यहाँ पे फंगस आ गए। एनिमेलिया में एनिमल्स इंक्लूड कर दिए थे, ओके। अब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को एक बार हम डिटेल में देख लेते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वॉज गिवन बाय आर एच व्हिटेकर। मेन क्राइटेरिया की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन यूज बाय हिम इंक्लूड्स सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिलेशनशिप, रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिलेशनशिप कौन सा था, फाइलोजेनेटिक, दैट मीन्स फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मीन्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। उन्होंने चार मेजर क्राइटेरिया यूज लिए थे, उनको देख लेते हैं। नंबर वन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कि सेल कैसा है, प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। फिर दूसरा था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म कैसा है, यूनिसेल्यूलर है या फिर मल्टीसेल्यूलर है, मतलब एक सेल से मिलकर बना है या फिर बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना है। फिर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बेसिस पे ऑटोट्रॉपिक है या फिर हेटरोट्रॉपिक है, मीन्स अपना खाना खुद बनाता है या फिर डिपेंड करता है किसी और पे, ओके। फिर फाइलोजेनेटिकल रिलेशनशिप जो था दैट वाज मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्राइटेरिया, और इसका मतलब क्या होता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ओके। क्या मतलब होता है इसका, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ओके। अब देखो मोनेरा के अंदर क्या यूज लिया था, सबसे पहले ऑल दी प्रोकैरियोट्स। प्रोटिस्टा में यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स। थर्ड था आपके पास माइकोटा, जिसे आप बोलते हो फंजाई, ट्रू फंजाई इंक्लूडेड थी। प्लांटी में मल्टीसेल्यूलर प्लांट्स और एनिमेलिया में मल्टीसेल्यूलर एनिमल्स इंक्लूड थे, ठीक है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक गाइस। आई होप आपको यूनिट वन जो है आपकी इंट्रोडक्शन टू सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी इजिली आसान तरीके से समझ में आ गई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ओके। एंड इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेल कर सकते हो या फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये चीज आपके लिए इंफॉर्मेटिव है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी कीजिए, ओके। सो टिल नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।